नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्विक आंसर पर। दोस्तों आज हम मल्टीटास्किंग क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि करंट लगने पर इंसान की अचानक मौत क्यों हो जाती है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा शरीर 65 से 70% वाटर से बना होता है और करंट के वेन और टिश्यू में जाते ही करंट के हाई रेजिस्टेंस के कारण वह नसों को डैमेज करने लग जाता है तथा वाटर को सोख लेता है, जिससे नसों में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और नसें फट जाती है। फिर दोस्तों वह करंट ब्रेन के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। दोस्तों हम जानते हैं कि ब्रेन के नर्वस सिस्टम द्वारा इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट किए जाते हैं तथा ये इलेक्ट्रिक सिग्नल बॉडी पर कंट्रोल करते हैं, किंतु जब बाहर से हाई वोल्टेज का करंट ब्रेन के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है तो ब्रेन के नर्वस सिस्टम अपना कंट्रोल ब्रेन के ऊपर से खो देते हैं, जिससे ब्रेन का बॉडी से कंट्रोल खत्म हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों करंट लगने से बॉडी का पानी सूख जाता है, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है तथा ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है तथा हार्ट के डैमेज हो जाने के कारण इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों ये है कि लोगों को उम्र बढ़ने के साथ उनके जॉइंट में दर्द क्यों होने लग जाता है। दोस्तों सामान्य जब एक उम्र हो जाती है तब आमतौर पर जॉइंट में दर्द होने लग जाता है। अगर हम इसके कारण की बात करें तो दोस्तों बचपन में कुछ बढ़ती गई असावधानियों की वजह से होता है। दोस्तों जब भ्रूण माँ के पेट में होता है तब भ्रूण का पूरा कंकाल कार्टिलेज का बना होता है, किंतु जैसे जैसे शरीर बड़ा होता है कार्टिलेज सिमटता जाता है तथा वह सिर्फ हड्डियों के जॉइंट तक ही रह जाता है, बाकी शरीर बोन में बदल जाती है। कार्टिलेज दोस्तों पानी प्रोटीन तथा कोलेजन ऊतकों से बना होता है जो इसे मजबूत और लचीला बनाते हैं। दोस्तों ये लेयर बारीकी से एक दूसरे से जुड़ी रहती है। कार्टिलेज के इस ढांचे को यूं ही बनाए रखने की जरूरत होती है और ये काम कार्टिलेज की सेल करती है। ये सेल कार्टिलेज ऊतकों की गहराई में रहती है और ये सेल लगातार कार्टिलेज के फाइबर को बदलती रहती है और फिर पुराने प्रोटीन चेन की जगह नहीं आती है। किंतु दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ अजीब सा होता है, जो सेल कार्टिलेज बना रही थी वही सेल कार्टिलेज को तबाह करने लग जाती है। सेल भ्रूणावस्था वाली प्रक्रिया को दोबारा शुरू कर देती है, जैसे भ्रूणावस्था में कार्टिलेज सिमट कर सिर्फ जॉइंट में रह गया था। दोस्तों वैसे ही फिर से प्रक्रिया शुरू होती है तथा सेल उस बचे हुए कार्टिलेज को भी खत्म करने लग जाती है। इस प्रक्रिया में कुछ सेल मर भी जाती है तथा कुछ सेल हड्डियों में बदल जाती है। कार्टिलेज अब धीरे धीरे हड्डियों में बदलता है तथा जॉइंट में घर्षण होने लगता है, जिसके कारण दोस्तों जब चलने फिरने में तकलीफ होती है तथा घुटनों में दर्द होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाने से भी घर्षण बढ़ता है तथा उम्र के साथ यह जॉइंट पेन बढ़ता जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।